किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में थ्री फिंगर से लिया जाने वाला स्क्रीनशॉट की सेटिंग आप कैसे चालू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास ये कोई सा भी फ़ोन हो, सभी में मैन सेटिंग्स को ओपन करना है। मैन सेटिंग्स को ओपन करने के बाद, यहाँ पे मैंने मैन सेटिंग्स को ओपन कर लिया, उसके बाद ऊपर आपको सर्च बार देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और इस सर्च बार में आप टाइप करेंगे स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ ताकि आपको फालतू का जो माइंड है वो ना लगाना पड़े। तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे टाइप कर देंगे, लिख देंगे, उससे आपको डायरेक्ट आप स्क्रीनशॉट वाले ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, सभी फ़ोन में थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन आपको अपना माइंड और क्रिएटिविटी लगा के यहाँ पे इसी तरीके से सर्च कर लेना है जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे मेरे पे तो 3 नंबर पे आ चुका है, आपको देख लेना है जहाँ पे भी स्क्रीनशॉट दिखाई देगा उस पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो अब आपको यहाँ पे देखना है ये जो 3 फिंगर स्वाइप डाउन है, ये देखिए मेरे में अनेबल था, ये आपके में आपको इस तरीके से ऑफ मिलेगा। तो सिंपली से आपको ऑन कर देना है और यहाँ पे अभी हैंड टू हैंड आप टेस्टिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने किया टेस्टिंग, 3 फिंगर स्लाइड किए और यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट लिया जा चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे ऑन करते ही जो आपका 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वाला फंक्शन था वो चालू हो जाएगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आप समझ गए होंगे।